चलिए इसी बीच बात करते हैं नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां सीए पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीए के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। 3 महीने के लिए टाल दिया जाए सीए की प्रक्रिया का, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का ये कहना है। तो वहीं संवैधानिक पीठ के पास मामला जा सकता है सीए का। तो आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में सीए के खिलाफ, जो याचिकाएं लगाई गई हैं सीए के खिलाफ उस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 144 याचिकाएं डाली गई हैं बुधवार, यानी आज सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई रचने की। सीजेआई एस ए बोबड़े, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की है। बता दें कि इसमें कहा गया है कि सीए संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल को कानून के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी और इसको लेकर 144 याचिकाएं इस कानून के खिलाफ डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सीए पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। 3 महीने के लिए सीए की प्रक्रिया टाल दी जाए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का ये कहना है। तो संवैधानिक पीठ के पास सीए का मामला भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीए पर सुप्रीम सुनवाई करते हुए इस पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का कहना है कि इसे 3 महीने के लिए रोक दिया जाए।